हेलो स्टूडेंट्स, हम आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं 15 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। एलिमेंटेड ऑपरेशन है, पहला स्टेप सेम है, ए इज इक्वल टू आई है, ये भी तुम्हें पता है। इस तो बाद आपां इनू इहदे वर्गा बनाना है, तो सब तो पहला मैं स्टेप की लगाया आर वन ते आर थ्री नू इंटरचेंज करता पहली रो ते तीसरी रो नू। आ देखो इत्थे आ गई तीसरी रो, पहली रो इत्थे चली गई, करना दोनों साइड ते है। उस तो बाद की किया मैं आर वन चो आर टू माइनस करता, क्योंकि हुण मैनू की चाहिए इत्थे वन चाहिए। देखो पहले इत्थों शुरू करना है, वन बनाना है, फिर इहदी हैल्प नाल ये दो जीरो बनानी है। ध्यान रखो तो पहले इत्थे वन बनाने करके मैं ऑपरेशन की लगाया आर वन रो चो आर टू माइनस करती, ताकि तीन चो दो माइनस करके वन आ जाए, तो दोनों पासे चेंजेस करती हैं सेम ही। इस तो बाद हुण इत्थे जिहड़ा वन बनता है, इहदा बेनीफिट की हुंदा है कि इहदी हैल्प नाल इहनू ते इहनू जीरो बनाना है। आपां इहदी हैल्प नाल बनाना ईजी हो जाता है, क्योंकि इहनू टू बनाना, तो इहनू टू नाल मल्टीप्लाई करके इहदे चों घटा दो, फिर इहनू टू नाल मल्टीप्लाई करके इहदे चों माइनस कर दो। तो आ देख लो ऑपरेशनस मैं लगाते, कैलकुलेशन तुसीं आप करके देखोगे चेंजेस किहदे च आणगियां आर टू ते आर थ्री ते दोनों साइड से। इन्हां क्वेश्चन प्रॉब्लम की हुंदी है कि बच्चे थोड़ा जिहा काहली नाल कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन स्लो करनी है साइड ते रफ ते करके फिर इहदे च पुटअप करना है। इदू बाद आ हो चुके अपना यदा मिल चुके स्ट्रक्चर, ये इस तो बाद आप इत्थे ए बनाना है वन, तो इत्थे जे वन बनाना तो मैं डायरेक्ट टेन नू वन बनाने का एक ही तरीका वधिया कि उन्हों टेन नाल डिवाइड कर दो, मतलब आर टू नू टेन नाल डिवाइड करना या आर टू नू वन बाय टेन नाल मल्टीप्लाई करना एको गल है, तो दोनों साइड से करोगे तो यह हो जाएगा अपने को। दैन इतें पहुँच गए तो हूँ जोड़ा वन है, क्योंकि मैं वार बार एक ही गल कह रहा कि जो वन बनता अपना तो वन की हैल्प नाल जीरो बनानी है, तो एस वन की हैल्प इतने भी जीरो बना लो, एस वन की हैल्प नाल इतने भी जीरो बना लो। तो ऑपरेशन की सुजैसट हो रहा है कि एस वन नू की बनाना आप माइनस फोर जीरो बनाना है, तो मैं इन फोर ना मल्टीप्लाई करके एड कर दूंगा। आ देखो फिर एस की हैल्प नाल मैं इनू जीरो बनाना, तो मैं इन फाइव ना मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो इस करके ये दो ऑपरेशन बन गए कि आर वन दे विच फोर ना मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो ताकि इतने जीरो हो जाए, आर थ्री दे विच इनू फाइव ना मल्टीप्लाई करके ये चो सबट्रैक्ट कर दो ताकि इतने जीरो बन जाए, दोनों साइड से करना है। भी इस तो बाद देखो आ दोनों स्ट्रक्चर अपने मैच कर चुके हैं आइडेंटिटी नाल, रह गया ये वाला, फिर आप वन ते ही अटैक करना हुंदा शुरू तो इतने वन है, तो ये वन मैं इतने वन बनाना है, तो फाइव बाय टू वन बनाने का तरीका की है ये उल्टे नाल मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फाइव बाय टू वन कदों बनूगा जो आप टू बाय फाइव नाल मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने मैं आर थ्री टू बाय फाइव नाल मल्टीप्लाई करता, दोनों साइड्स से चेंजेस आ गया। दैन जदों ये वन बनता है फिर उ रिपीट डायलॉग है कि यदी हैल्प नाल इतने इतने जीरो बनानी है, यदी हैल्प नाल इतने जीरो बनाना, तो सिंपल ही है कि ये चो ये घटा दी है। आ देखो आर वन चो आर थ्री माइनस करता, इनू जीरो बनाना इहदी हैल्प नाल, तां की करांगे पहले इहनू वन बाय टू बना के फिर इस चों घटाना पएगा, मतलब आर थ्री नू वन बाय टू नाल मल्टीप्लाई करके आर टू चों माइनस करो। ये देखो दोनों साइड्स से चेंजेस आ जाणगीआं वालीआं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। हुण आपां डेफिनेशन, आपां नूं पता है कि किसी मैट्रिक्स ए नाल जे कोई मैट्रिक्स इहो जिहा मिल जाए जिहड़ा कि उहनूं आइडेंटिटी बना रहा मल्टीप्लीकेशन तों बाद, तां दैट मीनस कि ए दे नाल की पिआ उहदा इनवर्स, तां एंड हो जाएगा ए वाला। इहदी हैल्प नाल तुसीं ए वाले क्वेश्चन करियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।